सीता उत्तराखंडी उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज सुबह के बजे हैं 8, सब काम होने के बाद अब मैं सुबह सुबह यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी मैं इसमें बना रही हूँ चाय। सुबह सुबह सबको चाय दूँगी, सब चाय पीएंगे ठंडे ठंडे मौसम में। अदरक की चाय बना रही हूँ गाइस। मैं बर्तन धोने लगी हूँ और अभी पानी लाई थी, वो पानी ज़्यादा गर्म था और नल में पानी आ गया है और मैं थोड़ा चाय पीने के लिए बर्तन साफ कर रही हूँ। अब बर्तन धोने के बाद अब मैं चाय लेके जा रही हूँ मम्मी के लिए। अब चाय लेके जाऊँगी, मम्मी चाय पिएगी। गाइस मम्मी को चाय देने के बाद अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे थोड़ा आंगन में झाड़ू, साफ सफाई कर रही हूँ। गाइस अब मेरी बन गई, बनाने लग गई हूँ मैं धीरे धीरे आलू। और अब आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया है कढ़ाई में तेल, अब मैं डालूँगी आलू मिक्स करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। तो भाई सब मैंने इसमें सब कुछ मिक्स कर लिया। हेलो गाइस आज मम्मा हमने बनाए हैं आलू की गुट के। ये मैंने आलू काट लिए हैं, अब मैं इनको भी बनाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी आलू की गुट के कैसे बनाए हैं मैंने आज। गाइस सुबह का नाश्ता रेडी हो गया है। यहाँ जिनके लिए दाल रखी हुई है ये सुबह का नाश्ता रेडी हो गया है। अब हम नाश्ता करेंगे सब लोग। तो अब मैं सबके बर्तन में ये डाल दूँगी कि सब लोग नाश्ता कर लेंगे। ओके गाइस नाश्ता रेडी हो गया है। तो गाइस नाश्ता करने के बाद अब भाई यहाँ थोड़ा कंप्यूटर का काम करने लग गया है अपना। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नाश्ता करने के बाद ही यहाँ पे अपना कंप्यूटर का काम स्टार्ट करने लग गया। गाइस आज पापा गए थे करूँ, अब हमारे घर में लगने वाले हैं ये सौर ऊर्जा और अब हम इनको अपने घर में लगाएंगे। ये इनकी इतनी सारी प्लेट हैं और अभी चार प्लेट है, अभी तो चाहिए ये तीन चार जगह पे लगाने हैं। तो ये इसके पूरे पार्ट हैं और अब आपको आगे बढ़ दिखाते हैं। तो गाइस ये है पहाड़ी ठिठ, ये जंगलों में मिलता है, ये आप बहुत कम लोगों ने देखा होगा। आप लोग देख सकते हैं इसको कितना अच्छा है दिखने में, कितना अच्छा है। और हम जंगल से इतने सारे भरे हैं अभी कट्टों में, ये सारे ठिठ ही हैं ये देखिए। और ये पूरे कट्टों में भर के हैं, जंगलों से लाए हैं ये और यही है ठिठ। तो अब मैंने कपड़े धो लिए थे, कपड़े धोने के बाद अब मैं ये चावल है, ये दाल है, ये हरी सब्जी है और इसमें आलू भी मिक्स कर रखे हैं। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 4, अब सबका यहाँ पे चाय पानी हो रहा है। ये बैठे हैं सब लोग यहाँ पे और हम चाय के साथ साथ ये मूंगफली भी खा रहे हैं और सब लोग चाय पी रहे हैं ये, और मैं भी चाय पी रही हूँ। तो फिर हम घूमने जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे बाहर को। हेलो गाइस हम घूमने के लिए निकल गए हैं। वो अब हम घूमने के करीब 2 किलोमीटर यहाँ रोड में और सामने एक गाड़ी भी खड़ी है वहाँ। तो गाइस अब हम घूमते घूमते नीचे की ओर चल गए हैं, अब हम यहाँ घूम गए हैं और हम गौशाले में पहुँच गए हैं। तो गाइस आज घूमते घूमते आज हम गए गेहूं के खेतों में। ये हम घूमते हुए गए गेहूं के खेत हैं ये। तो सामने एक पहाड़ी में इसको जामेर कहते जामेर, और हम जब घूमे तो हमने एक पेड़ जामेर का देखा, तो हमें फिर से एक कागजी नींबू का पेड़ भी मिला। ये है गाइस आप देख सकते हैं कागजी नींबू भी लगे हैं इसमें और उतने ज़्यादा तो नहीं लगे हैं, 2-4 ही लगे हैं इसमें। ये दालचीनी का पेड़ है, ये दिख तो वैसे ही रहा है लेकिन है ये दालचीनी का पेड़, पत्ता वैसी है, ये मसाले के रूप में काम आता है ये। और अभी यहाँ पे काफ़ी ठंड है, हमने आग जला रखी है, आप देख सकते हैं पानी रखा है इसमें। और यहाँ पे भाई भी बैठे हुए हैं और वो सामने पहाड़ भी दिख रहा है उधर, हमने इसमें पानी रखा है, पहाड़ी गीजर के रूप में काम आता है ये, इसमें हमने पानी रख दिया है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे
वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं आप एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।